हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाइयों, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने 5.3 थे उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.3 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके 5.3 में कई क्वेश्चन थे। अब जिनमें से मैंने कई इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट निकाल लिए कि इनके बेस पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए, फिर तो कोई भी बच्चा सारे क्वेश्चन कर सकता है एक बार में, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करें 5.3 के 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड का फर्स्ट। अपन को ये सारी चीजें दे रखी हैं और ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूले मान रखना है और ये चीजें निकालनी है। इसमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी, जो आगे वाले क्वेश्चन आए उनमें कहीं में अपन को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो क्या 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 पूछ रहा अपन से, एन व एस एन। एस एन क्या होता है, एन पदों का योगफल। एन क्या होता है, जो पद ज्ञात करना है उसकी वैल्यू, कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं, जो वैल्यू दे रखी है उसका पद। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू है। ए एन की वैल्यू दे रखी है देखो अपन को, तो इसमें अपन सिंपल ये फॉर्मूला रख सकते हैं, ए एन इज इक्वल ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू में डी। अब देखो डी की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही, ए एन की वैल्यू ये रही, पूछ क्या रहा है एन। सिंपल सेम आ गया, ये अपन 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था इसे, ठीक है। सिंपल मान पुट कर देंगे तो मान रखेंगे तो ए एन की वैल्यू क्या है 50 इज इक्वल, सबसे पहले आप ये लिखना ऊपर, ठीक है। ए एन की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 5 प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू क्या दे रखी है 3। तो आगे करते हैं 50 ये इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, एन माइनस वन इंटू में 3 कितने बच गए, 50 माइनस 5 45 इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में एन माइनस वन। तो अब देखो ये कितनी बार कट रहा है, 3 1 3 बच गया 1, 45 है तो बच गया 1, 15 हो गए, 3 5 का 15 एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16। तो सिंपली अपने पास एन की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है अपन से एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, चाहो तो आप दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो, कितने पदों की योगफल ज्ञात करना है 16 पदों का। अब देखो मेरा फेवरेट फॉर्मूला है ये, एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल, जहाँ ए और ए तो प्रथम पद और एल क्या है अंतिम पद, प्रथम पद अंतिम पद, 50 और 50 वैल्यू का पद ज्ञात किया है अपने 16, तो 16 पदों का योगफल, एन की वैल्यू अंतिम पद और क्या पूछ रहा है ये प्रथम पद, सबको दे रखा है। तो अपन चाहो तो आप उस फॉर्मूले से कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो कितने पद हैं, 16 बटे 2, ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस 50, सिंपल सॉल्व कर लेंगे ऐसा, 8 बार ब्रैकेट ये कितना हो गया 55। अब देखो एस 16 इज इक्वल कितना बच गया, 455 को 8 से इंटू करेंगे कितना आ जाएंगे, आ जाएंगे 5 8 5 तो 45 8 5 तो 40 ये आ गया 440, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना ये क्या है अपना आंसर, अपन से यही पूछा था एस एन, एन की वैल्यू क्या है 16, एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, एस 16 की वैल्यू 440। तो ये क्या है अपना आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बेसिक क्वेश्चन है एक तरीके से, ये अपन ने वैसे कर भी चुके हैं पर ये इन सब क्वेश्चंस में ये स्टार्टिंग क्वेश्चन से कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है याद ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2, इसमें अपन को देखो क्या क्या दे रखा है।
ए की वैल्यू दे दी, ए 13 दे दिया और डी और एस 13 पूछ लिया। एस 13, ए 13 सॉरी, ए 13, तो एक बार इसको देखो, ए 13 एन की वैल्यू दे रखा, ए एन होता है यहाँ पे, सपोज वहां पे दे रखा 35, यहाँ पे ए 13 दे रखा है, एन की वैल्यू दे दी अपन को। तो इसमें सिंपली ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ए एन इज इक्वल 13 पद गया है 35, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू में डी सॉरी, एन की वैल्यू दे रखी है 13, ए की वैल्यू दे रखी है 7 और एन की वैल्यू क्या दे रखी है 35 सॉरी, तो ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 13 पद क्या दे रखा अपन को 35 इज इक्वल ए की वैल्यू क्या है 7, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, कौन सा पद है 35, 13 पद। डी की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को और एस 13, तो डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल 13 माइनस 1 क्या आ गया 12 डी। अब देखो 35 माइनस 7 कितने बच गए यहाँ पे 28 अपॉन 12, ये क्या आ गई डी की वैल्यू। अब देखो ये कट रहा है, किससे काट दिया ये काट दिया अपन ने 4 से, 4 7 का डी इज इक्वल 4 7 का 28 और 4 3 का 12, तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7 अपॉन 3। क्या किस करनी है एस 13 की, एस 13 की वैल्यू याद करनी है, तो सबसे पहले अपन ये वो फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला तो आपको शायद मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, ए प्लस एल ये क्या अपना फॉर्मूला, एस 13 एन की वैल्यू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में प्रथम पद किया था अपना पास 7 प्लस अंतिम पद यह है 35। वैसे चाहो अपन यहाँ पे डी अपने कोई काम का नहीं है इसमें, तो अपन ने निकाले इसलिए क्योंकि इसने पूछा था, वरना अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे। एस 13 इज इक्वल 13 अपॉन 2 इंटू में ये कितने हो गए 42, काट देंगे कितनी बार बैठ गया 21, 13 टू 21 से गुणा करेंगे तो 31 इंटू 2 3 6 और 2 1 2 2 7 3, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर 273। एस 13 इज इक्वल 273, ये क्या अपना फाइनल आंसर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5। इस फर्स्ट और सेकंड की इंपोर्टेंट लगा लेना, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 99% मिल सकते हैं, ठीक है ऐसे कैसे, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन डी की वैल्यू दी है, चलो इसमें वैल्यू भी लिख लेते हैं डी और एस 9, योगफल दे दिया अपन को कितने पद होगा 9 पद होगा, योगफल दे दिया 75। अपन को क्या याद करना है इसमें ए और ए आई ए 9 यानी नवा पद और प्रथम पद, तो स्टार्ट करते हैं। एन की वैल्यू दे दी, देखो आपको इनडायरेक्टली एन की वैल्यू दे रखी है 9, तो इसमें अपना ये वाला फॉर्मूला लग सकता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखो एन की वैल्यू क्या है 9, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। एस 9 इज इक्वल 9 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a ये ज्ञात ही करना है एन माइनस 1 9 माइनस 1 इंटू में 5, तो एस 9 इज इक्वल 9 अपॉन 2 ओके 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 8 5 40,
तो ये दोनों का है गुणा में, ये दोनों ठीक है। इसको आगे करते हैं एक बार, एस नाइन इज इक्वल 9/2 इंटू, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2a+40 ये दोनों किसमें है, गुणा में है इससे, 2a+40। अभी देखो ये डायरेक्ट गुणा नहीं हो सकते अपन इनको, क्योंकि यहाँ बी के प्लस आ गया, तो ये क्या करेंगे अपन s9, अब इन दोनों से 7 गुणा करेंगे, 18a/2 इससे कट जाएगा, बच गया 9a बच जाएगा, प्लस 49, 4 9 36, 360 अपॉन में 2 ये कट जाएगा, कितने कितने बच गए यहाँ पे, बच गए चलो नीचे लिख लेते हैं, s9 = 18a, sorry 9a, 9a+ ये कितना हो गया 180, ठीक है। तो s9 की वैल्यू भी अपन को दे रखी थी देखो यहाँ पे 75, 75, ओके। तो आप देखो 180 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, 75 - 180 इक्वल में 9a, कितने बच गए, ये बच गए 105 बच जाएंगे माइनस के अपॉन में 9 इक्वल ए। अब देखो किससे कट रहा है, क्या ये कट रहा है 3 3 3 9 3 से कट रहा है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस का 3 5/3 ये क्या आ गई ए की वैल्यू। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब करते हैं इसको आगे, तो देखो s9 की वैल्यू दे रखी थी इसलिए अपन ने पुट कर दी, a9 की वैल्यू दे रखी थी, s9 की वैल्यू दे रखी थी, a9 ही पूछ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8+8d, तो a की वैल्यू क्या आई अपने पास, माइनस का 35/3 + 8 × 5, ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 35/3 + 40/1, तो a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से एलसीएम ले लेंगे कितने, माइनस के 35 + 120, तो a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये बच गए 85, कितने बच गए 85/3, भाग जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे भाग नहीं जाए ना पॉइंटो में, तो इससे बेटर यहाँ क्या छोड़ दो, ठीक है, वैसे पॉइंटो में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सही है, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास फाइनली आंसर। तो देखो सबसे पहले अपन को s9 की वैल्यू दे रखी थी, जिस फॉर्मूले में पुट करवा रहा हूँ ये अलग अलग इक्वेशन बना के देगा, तो अपन को थोड़ा लेवल IQ लेवल ऊंचा रखना है, ठीक है। इन सवालों को जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बढ़िया है, ठीक है। तो ये ऐसे अपन सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड की, a9 इसको टुकड़ों में बांट दिया, फिर ए की वैल्यू रखी और डी की वैल्यू दे रखी थी, तो इसको फाइंड करके अपन a9 की वैल्यू याद कर ली, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे इतना लेंथी सवाल कोई बनता नहीं है, ठीक है। फिर भी ये इसलिए था कि यार आपको थोड़ा पता रहे, आप यानी आपके आगे काम की सिवा के मैथ सब्जेक्ट लेनी है तो उसके बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, थर्ड का 7। इसमें अपन क्या क्या दे रखा है, देखो ए की वैल्यू दे दी, an की वैल्यू दे दी, sn की वैल्यू दे दी, और पूछ क्या रहा था इसमें, शायद एन पूछ रहा था इसमें, वो मैं चेक करता हूँ, एन व डी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें,
किसकी वाली फाइंड करनी है? ये तो दे ही रखा था, ये क्या लिख दिया इसमें? ए एन ओ डी, सॉरी डी व एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस पे तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। ए दे दिया, ए एन दे दिया, एस एन दे दिया, तो देखो इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पे देखो एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट, ए की वैल्यू क्या है 8, डी की वैल्यू क्या है, डी सॉरी नहीं, एस एन की वैल्यू क्या है 210, सॉरी ये वैल्यू दे रखी है अपन को 210, ठीक है। और अंतिम पद क्या दे रखा है 62। प्रथम पद, अंतिम पद और ये क्या है, इन पदों का योगफल जितने पद है, तो इस अपन एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो इनटू में 210 इनटू टू एन। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 को एन से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8n प्लस एन को 62 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 62n। कभी भी बाहर कोई संख्या हो ना तो अंदर कोष्ठक के अंदर दोनों संख्याओं से गुणा होती है, ठीक है। ये अपन ने पहले फोर्थ चैप्टर में भी किया है। ये कितना होगा 420 इज इक्वल 8n प्लस 62n, कितने हो गए ये दोनों मिलके, ये हो गए 70n। 420 अपन को एन की वैल्यू फाइंड कर ली थी इसलिए एन को एक साइड कर लिया, कितना आ गया 420 अपॉन में 70 कट जाएगा, 7 6 42, तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6, ठीक है। ये क्या आ गया सिंपली 6 पदों का योगफल दे रखा था अपन को 210। किसी के पास समय बचा हो एग्जाम में तो आप एन की वैल्यू रख के मान ज्ञात भी कर सकते हो कि अपना आंसर सही है गलत। तो अपन से क्या पूछ रहा हो, डी की वैल्यू। अब देखो ए भी दे दिया, डी भी दे दिया, एन भी दे दिया, पूछ क्या रहा है, सॉरी डी नहीं दिया, डी फाइंड करने, ये वाला फॉर्मूला लगा दे प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू बाई डी, ए एन दे रखा है, अंतिम पद क्यों कौन सा अपने पास 62, अपन को पता है 62 कौन सा पद है, छठा। ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस ब्रैकेट एन माइनस सॉरी 6 माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 62 माइनस 8 सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 6 माइनस 5 डी, 62 में से 8 गए तो ये बच गए 40, वो सॉरी 56, ये बार चेक कर लेना 56 बचेंगे, सॉरी 54 बचेंगे, अरे बता तो दिया करो 5d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अपन ने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, 54 अपॉन में 5, ये क्या आ रही है d की वैल्यू, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार चेक कर लेना। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखो इन ये जो क्वेश्चन चल रहे थे ना इनमें देखो कभी कभी इतने लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, वैसे वो एग्जाम में आते नहीं है पर आपको थोड़ा आईक्यू लेवल होना चाहिए कि यार कैसे सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं कराता हूँ, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस होगी ना उतनी जल्दी आपकी स्पीड होगी, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू।